सभी बंधुओं और साथियों को सुप्रभात। साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया से होने वाले अर्थात जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से रोग कहाँ किससे होते हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन से होने वाले रोग हैं, और इतना ही नहीं बल्कि उनके होने वाले जीवाणु के नाम, जीवाणु मतलब किस जीवाणु के कारण होता है, और कुछ परीक्षण होंगे उस परीक्षण के। जैसे कि टीबी की बात की जाए तो टीबी से प्रभावित अंग कौन सा हो जाता है, फेफड़ा होता है, और किस बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, और यह हुआ है कि नहीं आपको टीबी, एक किस परीक्षण से किया जाता है, मेनटॉक्स परीक्षण से, और कौन सा टीका लगता है, जैसे BCG का टीका लगता है। इन सभी फैक्ट को हम लोग देखेंगे, जिसका संभव रहेगा, जिसका टीका रहेगा, जिसका परीक्षण होता रहेगा, उन सभी को देखेंगे, और जिसका ज्यादा जरूरी नहीं रहेगा उन्हें हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी रोग हैं उन्हें आप लोग पढ़िएगा और देखिएगा, कुछ ही चंद पलों में ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा विथ ट्रिक की सहायता से। ट्रिक ही नहीं बल्कि मैंने बताया कि उनसे जितने ही ज्यादा फैक्ट बनते हैं सभी फैक्ट को मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हमारे कहने से थोड़ी ना बनेंगे अभी। ठीक है, देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से पहला हम लिखे क्या है यहाँ पे, एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है, जैसे कोई भाई साहब हैं और उनके कोट में क्या है, एक न्यू कोट पहने हुए हैं, उनके कोट में एक सीडी है और टेप, टेप जानते हैं ना, चिपकाने वाला, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है। तो बस इतना ही सा ट्रिक है, समझिएगा बैक्टीरिया की कहानी खत्म। बैक्टीरिया से जितने होने वाले रोग हैं याद हो गए आपको, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, क्या ट्रिक से काम चल जाएगा? हाँ, पेपर में आता है कि कौन से रोग बैक्टीरिया से होने वाले हैं, वहां तो चल जाएगा, लेकिन यदि घुमा का प्रश्न बोल दे कि उससे प्रभावित अंग है तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएंगी। उसके लिए पूरी वीडियो देखेगा देखेगा और लास्ट तक देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक अक्षर को लेते हैं और क्या क्या होते हैं कहानी को पिरोते हैं। ए फार, हम ए फार एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, अब ए तो हो गया एंथ्रेक्स, आखिरकार ए का मतलब पूरा क्या, एंथ्रेक्स कि क्या लक्षण है, किसमें होता है? सबसे पहली बात तो यह साथियों, दुधारू पशुओं के संपर्क में, जैसे दुधारू पशुओं गाय भैंस बकरी तमाम प्रकार के दुधारू पशु होते हैं, उनके संपर्क में आते ही मनुष्यों को यह रोग हो जाता है, एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो सांस होती है, श्वसन अंग होता है, श्वसन अंग श्वास नली होती है, फेफड़ा उफड़ा तमाम प्रकार की चीजें प्रभावित होने लगती हैं। इससे प्रभावित अंग क्या है, हम ये बता दूं आपको मैं, कि इनसे प्रभावित अंग श्वसन तंत्र है। क्या है? श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। इससे प्रभावित अंग क्या हो गए? श्वसन तंत्र हो गए। और यह किस जीवाणु के कारण, किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है? इसका नाम है बैसिलस, बैसिलस एंथ्रेसिस। नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। तो इसे याद कर लीजिएगा आप लोग भी, बैसिलस एंथ्रेसिस। दो तीन बार नाम को याद करेंगे याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए एंथ्रेक्स रोग है तो इसके पीछे भी नाम क्या है? एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। और इससे प्रभावित अंग क्या हो जाता है? श्वसन अंग हो जाता है। ये कब प्रभावित होता है? जब मनुष्य क्या करते हैं या पशु क्या करते हैं, पशुओं में भी होता है, जब क्या होता है कि उनके संपर्क में आ जाते हैं दुधारू पशुओं के मनुष्य, तो वहां पर एंथ्रेक्स हो जाता है। सेकेंड नंबर हमारे पास में क्या है? गो, गोफार क्या होता है? गोनोरिया होता है। क्या होता है? गोनोरिया। गोफार क्या हो गया? गोनोरिया। गोफार, गो माने जाना नहीं, गोफा गोनोरिया, गोफार गोनोरिया। अच्छा, इससे प्रभावित अंग भी लिखते चले ना, इससे प्रभावित अंग क्या हो जाएंगे? यौन अंग। यानी किसी भी व्यक्ति को यदि गोनोरिया है, गोनोरिया है तो उसके साथ असुरक्षित यौन संबंध किया जाए तो इससे उस पर्सन को भी गोनोरिया हो सकती है। और यह किस बैक्टीरिया के कारण होता है? नेसेरिया गेनेराई बैक्टीरिया के कारण हो जाती है, नेसेरिया बैक्टीरिया। इसे भी लिखते चलेंगे, नेसेरियाई, नेसेराई बैक्टीरिया। अच्छा, गोनोरिया लाना, गोनी राई,
निस्तेरिया गोनीराई कारण हो जाते हैं। अगला क्या है, न्यू है ना, तो न्यू फॉर क्या होगा, नया नहीं, नया नहीं, न्यू है ना, न्यूमोनिया। ये तो लगभग लगभग हर एक स्टूडेंट तमाम लोग जानते हैं इसके बारे में, लक्षण क्या होते हैं निमोनिया के बारे में, क्या होते हैं निमोनिया। तो निमोनिया में क्या होती है कि सांस लेने में, जो सांस लेते हैं ना, सांस लेने में परेशानी होती है, और इससे फेफड़ा, जो फेफड़ा नहीं होता है हम लोगों का, बच्चों का, वहां पर निमोनिया बहुत ज्यादा प्रभावित करती है उस अंग को, यानी श्वसन तंत्र और फेफड़े को प्रभावित करती है। और यह किस बैक्टीरिया के कारण हो जाती है, इस बैक्टीरिया बैक्टीरिया का नाम क्या है, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। क्या नाम है साथी मेरे, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। तो निमोनिया में क्या, श्वसन अंग प्रभावित होती है, और किस बैक्टीरिया कारण से, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कारण से, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के कारण से निमोनिया हो जाती है। अब देखिए, एक है कोट कोफार ना, कोफार दो रोग होंगे, कोफार दो रोग होंगे। एक तो होगा आपके पास में क्या, कोफार कोष्ठ, कोफार क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग। एक क्या होगा, कुष्ठ रोग, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगी, काली खांसी। तो लिख देते हैं, कोफार क्या हो जाएगा, एक कुष्ठ रोग हो जाएगा, लेप्रसी, और एक क्या आ जाएगा, कोफा ना, काली खांसी। दोनों को याद रखेंगे, कोफार कुष्ठ रोग और कासे काली खांसी भी बैक्टीरिया कारण से हो जाती है। इसके क्या होते हैं, इसमें कुष्ठ रोग में क्या होता है, जैसे कि हाथ होते हैं, तो हाथ में धीरे 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 हाथ झलने लगते हैं, और ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है कुष्ठ रोग में, और ये धीरे धीरे मुड़ते मुड़ते लगभग लगभग खत्म की कगार हो जाते हैं, और ये धीरे धीरे मुड़ने लगते हैं। यानी इसमें त्वचा, नस, उंगलियां क्या होने लगती है, प्रभावित होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। तो यह लिख लीजिएगा आप लोग भी, तो इसमें त्वचा और नसें प्रभावित होती हैं, तो लिख ली लिखिए दे हमें, त्वचा नस, त्वचा और नस और अंगुली, त्वचा नस और अंगुली प्रभावित होने लगती है। और इस काली खांसी में क्या प्रभावित होती है, यही श्वसन अंग, तो श्वसन अंग है प्रभावित होती है, तो सब आम बात सी बात है। और इसके टीका एक लगता है, इस टीके का नाम क्या है, डीपीटी, डीपीटी, इस टीके का नाम क्या है, डीपीटी। तो काली खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, डीपीटी। यह तीन जगह टीका लगती है डीपीटी, एक तो होता है डिप्थीरिया के स्थान पर लगेगा, एक परचुसिस के स्थान पर लगेगा, एक टिटनेस। परचुसिस मतलब क्या, काली खांसी को ही परचुसिस बोला जाता है, डिप्थीरिया, परचुसिस और टिटनेस, तीन जगह यह डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और आगे की बात की जाए तो कुष्ठ रोग में त्वचा, नस, उंगलियां, ये तो समझ ही गए होंगे। और यह कैसे फैलता है, कि जैसे कि कोई व्यक्ति है कुष्ठ रोग से प्रभावित है, कुष्ठ रोग से प्रभावित, उसके उंगली मतलब सिकुड़ रही है, तमाम प्रकार की चीजें हो रही हैं, यदि उसके संपर्क में कोई अन्य व्यक्ति आता है तो उसके कारण से उसको भी यह रोग फैलने लगता है। लेकिन इतना ही नहीं, क्या तुरंत फैलने लगता है, नहीं, ये बहुत लंबे समय से उस व्यक्ति के साथ रहेंगे तब फैलता है। और यह जो बैक्टीरिया है वो उस व्यक्ति से एक अच्छे वाले व्यक्ति के अंदर चली जाती है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे है। तो नाम भी याद रखना होगा, तो याद कर लीजिएगा इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, कुष्ठ वाले का, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, माइक्रो बैक्टीरियम लैप्रे, इतना याद रख लीजिएगा। कुष्ठ रोग, त्वचा, नस, उंगलियां प्रभावित हो जाती है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे है। अब ये तो को तक हो गया ना, अब आगे आती है टीफा टेटनस। टफार ट है, टफार टमाटर नहीं, टफार टीवी, क्या टीवी, ट्यूबर क्लोसिस वायरस की वजह से टीवी। और एक आता है क्या, ट से आ जाएगा टाइफाइड, फाइड दो आएंगे, दो रोग आएंगे टीवी से, यानी ट से टीवी और टाई फाइड। टीवी में क्या होता है कि मनुष्य का जो फेफड़ा नहीं होता है, बोल दे रहे, लिख लीजिएगा, मनुष्य का फेफड़ा होता है वो प्रभावित होने लगता है, उस पर
वो प्रभावित होने लगता है धीरे धीरे, यानी श्वसन अंग भी प्रभावित होने लगते हैं, फेफड़ा प्रभावित होने लगते हैं। और यह किस जीवाणु के कारण से, किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है, ये तो सारी दुनिया मालूम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नोट कर लीजिएगा आप लोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये मैंने शुरुआत में बोला था इसका पूरा डिटेल में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये किस पर क्या, इसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो मेंटाक्स परीक्षण किया जाता है। और प्रभावित अंग तो लोग समझ ही गए हैं कौन सा होता है, फेफड़ा हो जाता है। और इसके लिए कौन सा टीका दिया जाता है, इसे नोट करना हो तो कर लीजिएगा, BCG, BCG बेसलेस कॉमेट गुएरिन। तो BCG का टीका दिया जाता है। टाइफाइड में क्या होता है कि ये जो आंत होता है, आंतों में धीरे धीरे क्या होने लगता है, संक्रमण होने लगता है। टाइफाइड से क्या होता है, आंतों में संक्रमण होने लगता है। यह क्यों होता है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति दूषित दूषित जल व क्या ग्रहण करेंगे, दूषित जल व भोजन ग्रहण करने की वजह से, दूषित जल व भोजन ग्रहण करने की वजह से जो आंत होता है यह प्रभावित होने लगता है। और यह किस जीवाणु के कारण से, किस बैक्टीरिया के कारण से हुआ फैलता है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेली। साल्मोनेली टाइफी है, और साल्मोनेली टाइफी है। और इसके परीक्षण के लिए इसके टीके के नाम क्या है, TAB, टैप टीका का नाम, टैप टीका का प्रयोग किया जाता है। और इसका एक परीक्षण होता है जिसका नाम परीक्षण विडाल टेस्ट किया जाता है। तो नोट इसमें ज्यादा फैक्ट हो जा रहे हैं क्या, चलो कर ही देते हैं हमें क्या, विडाल टेस्ट दो का बहुत भारी, एक टीबी का और एक टाइफाइड का। टाइफाइड में क्या प्रभावित अंग होता है, हाथ, टीबी में फेफड़ा, और टाइफाइड में दूषित जल व भोजन से ग्रहण करने से, और किस प्रकार, साल्मोनेली टाइफी की वजह से। और इसमें टीबी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। और ये इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, टाइप के टीका, इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है टीबी के लिए, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसके लिए विडाल टेस्ट। अभी थोड़े समय पहले मैंने बताया कि टीबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। आगे की बात की जाए तो हम लोग चलेंगे, अब हमारे पास में अगला क्या आता है, एगो न्यू कोट में कोट हो गया है ना, अब मेफा मेनिनजाइटिस होता है। क्या होता है, मेनिनजाइटिस, अच्छा दिखाई दे रहा होगा, लिख लीजिएगा, अच्छा शायद अच्छा ना क्लियर दिखाई दे, मेनिनजाइटिस। मेफर क्या होता है, मेनिनजाइटिस होता है। और सीफर क्या हो जाएगा, सिफिलिस, सब लिख ही दे रहे हैं, सीफार सिफिलिस। अभी लक्षण सबका बता दे रहा हूं, 2 मिनट लगेगा। डीफार डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया, चलिए इतना जगह ही है, नाम लिखेंगे तो खत्म हो जाएगा। चलिए हाँ, तो सीफार सिफिलिस और मेफा मेनिनजाइटिस, डीफार डिफ्थीरिया, तो दो का याद कर लीजिए अच्छे से ही, कि बस बैक्टीरिया से अधिकांश इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग मेनिनजाइटिस और सिफिलिस है, इससे ज्यादा इतना ही फैक्ट पूछा जाता है। आगे पूछी जाती है डिप्थीरिया से, डिप्थीरिया से में कि मतलब कि गला और सांस जो नहीं होता, गला वाला हिस्सा, जैसे कि एक गला है तो गले वाले हिस्से में यहाँ पर धीरे धीरे यह गांठ सी बनने लगती है डिप्थीरिया में। और जो सांस लेते हैं मनुष्य, सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होने लगती है, और ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारा गला को दबा रहा है, इस कारण से इसे गलघोंटू रोग भी कहा जाता है, गलाघोंटू रोग। और हाँ, डिप्थीरिया है ना, हाँ, डिप्थीरिया के बाद आगे की बात की जाए तो इसके लिए मैंने आगे ही पहले बता दिया था कि टीका कौन सा दिया जाता है, DPT, कहाँ पर है, DPT टीका दिया जाता है। कौन सा टीका दिया जाता है, DPT टीका दिया जाता है। DPT मतलब कि डिप्थीरिया परचुसिस और टिटनेस, तीन जगह दिया जाएगा, डिप्थीरिया में दिया जाएगा, परचुसिस मतलब काली खांसी में दिया जाएगा, और टिटनेस में दिया जाएगा। तो आगे की बात की जाए तो ये तार है ना, वायर है ना, बड़ा दिक्कत करता है।
आगे की बात की जाए तो हमारे पास में इतना हो गया, और टी आ गया, टी कहाँ लिखे, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब से फिर मिटाते हैं इसको। मिटाने के लिए कहाँ पर हमारे पास आइटम है इसका, यहाँ पर है, थोड़ा सा गड़बड़ है ना यार, सब फेंक फाक देते हैं ऐसे ही। नंबर आ जाएगा ना। हाँ, और सी डी हो गया, डायरिया, डिफ्थीरिया, एक डायरिया भी लिख लीजिएगा इसका, दो ठो लिख लीजिएगा, डायरिया। हाँ, अब टेफर, टेटनेस, टेफर टेटनेस, टेफर टिटनेस, टिटनेस का कौन नहीं जानता, इसके डेट में सभी जानते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होने लगता है, पूरा प्रभावित होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, तंत्रिका तंत्र ना मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, इससे ऐसा लगता है कि जो गला का मांसपेशियां होती है ना, ये भी सिकुड़ने लगती हैं, ऐसा लगता है कि लॉक जा, जॉ को बंद किया जा रहा है, लॉक किया जा रहा है, खुलता नहीं मुख ज्यादा। और इसके लिए टीका, वही टीके की बात की जाए तो टिटनेस, और टीके की बात की जाए तो डीपीटी, डीपीटी डायरिया परचेसेस, और डिप्थीरिया परचेसेस, और टिटनेस के लिए इसमें प्रभावित अंग क्या, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्रिका तंत्र, कौन सा, तंत्रिका तंत्र। और प है, प फॉर पेलाग्रा, और हाइफेजा, पे फॉर पेलाग्रा, और हाई फार हैजा, हैजा भाई, दूषित जल, भोजन, उल्टी, दस्त, यही सब प्रक्रिया है इसकी। दूषित जल का ग्रहण कर लेते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो हैजा फैलने लगता है, कॉलरा फैलने लगता है, और डिहाइड्रेशन होने लगता है, मतलब कि शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगती है, जिस कारण से हमें ORS घोल दिया जाता है, और इसके लिए स्टूल टेस्ट, स्टूल परीक्षण किया जाता है कि आपके अंदर हैजा कितना अधिक प्रभावित कर चुका है, और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कॉलरी, लिख लेना, विब्रियो कॉलरी हैजा के, यानी कॉलरी के बैक्टीरिया का नाम है। अब इतना ही है, एगोनियोकोट में सीरी टेप है, बैक्टीरिया होने वाले रोग हैं, और एक दो रोग और लिख लीजिएगा, जैसे प्लेग हो गया, बाटुलिज्म हो गया, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, प्लेग हो गया और बाटुलिज्म हो गया। प्लेग, ये जो प्लेग को काली मौत भी बोला जाता, इसमें होता है क्या है, ये पिस्सू, पिस्सू से फैलता है, चूहों पर आते हैं पिस्सू, पिस्सू से फैलता है, चूहों पर रहते हैं पिस्सू। तो प्लेग तो एक बार बहुत खतरनाक इसकी महामारी आई हुई थी, तो काली मौत होता है, प्लेग होता है, इसमें जिस जहां पर ये बैक्टीरिया जाती है वहां के अंग को काला कर देती है, और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसका मात्र एक ही मात्र उपचार है कि उस अंग को काट करके निकाल दिया जाए। और बाटुलिज्म होता है कि बंद पैक, जो बंद यानी पैक्ड भोजन होते हैं ना, भोजन क्या होते हैं, पैक वाले भोजन होते हैं, वो पैक रहते हैं बहुत दिनों तक, तो रहने पर, बहुत ज्यादा दिन नहीं, इतना दिन नहीं, लेकिन कुछ दिनों रहने पर पैक वाले भोजन, उसमें उससे बाटुलिज्म रोग हो जाता है। उसमें यदि जीवाणु पड़ जाते हैं, खाद्य पदार्थ में जीवाणु बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, तो वहां पर उससे बाटुलिज्म रोग हो जाता है। हालांकि उसमें कमी संभावना रहती है बंद पैक भोजन में जीवाणु बैक्टीरिया पड़ने का। हालांकि कमी संभावना रहती है कि पैक भोजन में बैक्टीरिया पड़ने का, लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया पड़ जाते हैं जब भोजन बहुत दिनों तक रख दिया जाता है। इस कारण से जब भी पैक भोजन लेना है चाहिए तो उसके एक्सपायरी डेट देख कर लेना चाहिए। तो बस साथियों, आज के लिए इतना ही, हम लोग इसमें देखें कि क्या क्या बैक्टीरिया से होने वाले रोग, कौन से बैक्टीरिया से रोग होते हैं, और उनके सामान्य लक्षण, कुछ उससे टेस्ट, और कुछ उसके जीवाणु, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, और लक्षण और प्रभावित अंग भी हमने देखा, और
बस इतना ही इस वीडियो में, और हम आपसे मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, और यदि सेकेंड चाहिए आपको, सेकेंड मतलब वायरस से, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सेकेंड वीडियो दूंगा इसी प्रकार से और इससे अच्छे बेहतर तरीके से। बस सभी साथियों को धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।